रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हिमाचल फिल्म सिटी द्वारा लगातार तीसरे वर्ष आयोजित किया गया मिसेज इंडिया हिमाचल प्रदेश 2019 का राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले में पहली बार हमीरपुर जिला की किसी महिला को विजेता बनने का सौभाग्य मिला है। हमीरपुर जिला के कलंजनी से संबंध रखने वाली पूजा अब सितंबर माह में चेन्नई में होने वाले मिसेज इंडिया फिनाले में भाग लेंगी। हिमाचल फिल्म सिटी द्वारा लगातार तीसरे वर्ष आयोजित किया गया मिसेज इंडिया हिमाचल प्रदेश 2019 का राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाल में पहली बार हमीरपुर जिला की किसी महिला को विजेता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमीरपुर जिला के कलंजड़ी से संबंध रखने वाली पूजा अब सितंबर माह में चेन्नई में होने वाली मिसेज इंडिया फिनाले में भाग लेगी। मिसेज इंडिया हिमाचल बनने के बाद हमीरपुर पहुंची पूजा ने बताया कि 11 जून को सोलन के क्लब महिंदा रिजॉर्ट में मिसेज इंडिया के राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 24 विवाहिता महिलाओं ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि यदि वे मिसेज इंडिया का खिताब जीतती हैं तो मिसेज एशिया इंटरनेशनल में भाग लेने का उन्हें मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से विजेता बनकर जिला का सम्मान दिलाने वाली पूजा कुमारी पहली महिला बन गई हैं। सभी महिलाओं को ताज के साथ साथ सर्टिफिकेट, मोमेंटो और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। पूजा के पति आर्मी में थे, जो एक हादसे का शिकार हो गए और उनका आकस्मिक निधन हो गया। उसके बावजूद ससुराल वालों ने पूजा का साथ दिया और इस इवेंट में जाने का सहयोग किया। पूजा अपनी सास और जेठ के साथ साथ अपनी जीत का श्रेय अपनी माता व पिता को देती है, जिन्होंने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 24 वर्षीय पूजा का एक 2 साल का बेटा भी है। जनवरी मंथ में इसके ऑडिशन हुए थे हमीरपुर में, तो मैंने ऑडिशन अटेंड करा, उसमें सेलेक्ट हो गई थी। फिर सेमीफाइनल हुआ हमारा कंडा घाट में होटल ट्रिपल एच में। फिर सेमीफाइनल के बाद मैं सीधा फिनाले के लिए सेलेक्ट हुई, और फिनाले हमारा महिंद्रा रिजॉर्ट कंडा घाट में ही हुआ था, और वहाँ पे मैं विनर हुई। तो मुश्किलें तो, क्योंकि एक तो हमारी सोसाइटी या हमारे घर वाले इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते, मतलब इसके लिए थोड़ा हमारा हिमाचल का आपको पता ही है कि लोकल मेंटेलिटी कैसी होती है। तो स्टार्टिंग में मुझे, मैं थोड़ा आफ्टर बेबी थोड़ा फैटी हो गई थी, मतलब हेल्थ में मोटी हो गई थी। मैंने जिम ज्वाइन करा और उसके बाद डांस क्लासेस ली खुद को मेंटेन करने के लिए। डांस क्लासेस, योगा वगैरह करती थी। आगे फिलहाल तो मेरी आगे कुछ प्लानिंग नहीं है, बट सिर्फ नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई है, तो मिसेज इंडिया मतलब ऑल इंडिया के लेवल पे ये होगा, तो मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये नेशनल लेवल का चेन्नई में होगा, जिसमें ऑल इंडिया की लेडीज़ रहेंगी। सही है, सितंबर 1st वीक में आई थिंक। मैं लेडीज़ के लिए यही बोलना चाहूँगी कि वो जैसे अपने घर वालों की उनकी देखभाल में लगी रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें और आगे बढ़े। सर, मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ। मेरे फादर मोटर मैकेनिक इंजीनियर थे, बट अनएक्सीडेंटली वो अभी उनकी जॉब वगैरह छूट गई थी, उनकी थोड़ा मतलब थी प्रॉब्लम इशू। बट उसके बाद मेरी मैरिज हो गई थी, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, बट उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और मेरा बेबी है 2 ईयर का, और सास अच्छे हैं मेरे, उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट करा है, क्योंकि उनके साथ भी यही हादसा जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा हुआ था, तो मेरी सिचुएशन उन्होंने अच्छी तरह समझी और मुझे कोई पाबंदी नहीं लगाई।